हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अश्व शब्द रूप पर, जिसमें हम सीखने वाले हैं अश्व शब्द रूप कैसे आसानी से याद करेंगे, इसके पीछे कौन सा ट्रिक है, ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इसका हिंदी अर्थ कैसे करते हैं खुद से वो भी सिखाऊंगा ट्रिक से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देर किस बात का है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिख लिया है अश्व शब्द आकारांत पुल्लिंग। आकारांत यानी कि जिसके अंत में आ की मात्रा आता है, और पुल्लिंग आप समझते ही हैं। तो मैं पहले एक बार इसको पढ़ता हूं, उसके बाद आएंगे कि इसका ट्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कैसे पढ़ेंगे। तो प्रथम होता है अश्व, अश्व, अश्व। द्वितीय अश्वम, अश्व, अश्वान। तृतीय अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वय। चतुर्थी अश्वाय, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्य। पंचमी अश्वात्, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्य। षष्ठी अश्वस्य, अश्वयोः, अश्वानाम। सप्तमी अश्वे, अश्वयोः, अश्वेषु। और संबोधन होता है हे अश्व, हे अश्व और हे अश्व। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है। तो हमारा ट्रिक है अमन आयत और यस, ये जवानी है दीवानी। मैं इसको एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तीन दोस्त है जिसका नाम है अमन, आयत और यस। ये तीनों एक दिन फिल्म देखने जाते हैं, और फिल्म का नाम होता है ये जवानी है दीवानी। तो बस यही ट्रिक है, अमन, आयत और यस, ये जवानी है दीवानी। आइए देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करता है। जब तक काम नहीं करेगा बबुआ, आपको मजा कैसे आएगा। तो देखते हैं ट्रिक कैसे काम करता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं अमन यानी कि अ म न। देखिए मैं आपको तीन ट्रिक बताऊंगा, और तीन ट्रिक में आपको ये पूरा जो है शब्द रूप याद हो जाएगा। एक ट्रिक में आप पूरा एक वचन याद कर लोगे पहले ट्रिक में, दूसरा ट्रिक में आप पूरा द्विवचन याद कर लोगे, और तीसरे ट्रिक में पूरा बहुवचन याद कर लोगे। तो देखिए हम अभी जानने वाले हैं पहला ट्रिक, ट्रिक नंबर वन, जिससे हमें पूरा एक वचन याद होने वाला है। तो मैंने क्या कहा, अमन, तो अमन, अमन हो गया। आयत, आयत यानी कि आ या, और यहां लिखेंगे त, इन दोनों को मिलाएंगे बनेगा आयत, ठीक है। यस, या और सही यस। तो ये तीन दोस्त थे अमन, अमन, आयत और यस। फिर जो मूवी था उसका नाम क्या था, ये जवानी है दीवानी, ये जवानी है दीवानी, है दीवानी, ये मूवी का नाम है। आइए अब बात करते हैं कि ट्रिक जो है कैसे काम करने वाला है इसको याद करने के लिए। मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बताऊंगा, और इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको आज के बाद रटने की आदत छूट जाएगी, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा इतने पढ़िए थे कि आप कभी रटोगे नहीं, बल्कि आपको समझकर सब कुछ याद हो जाएगा। तो देखिए मैंने पहले लिखा है अमन यानी कि अ, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो अश्व लिखा हुआ, यानी कि अश्व में अह लगा हुआ है। अश्व प्लस अह इक्वल टू अश्व, तो इसमें अह की मात्रा लगा हुआ है। आपको यहाँ पे दिख रहा है हलंत म लगा हुआ है, यहाँ पे हलंत न लगा हुआ है। अश्वाय चतुर्थी होता है अश्वाय, तो अगर अश्वाय को अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो अश्व प्लस आय इक्वल टू अश्वाय, तो यहाँ पे अश्व में आय लगा हुआ है अश्वाय बनने के लिए, तो आय जो है हम साफ साफ दिखा रहे हैं। यहाँ त जो है आपको दिख रहा है हलंत त, यहाँ पे है स्या। देखिए ये अगर आप गौर से देखेंगे तो आधा स और या है, तो इसको मैंने क्या किया कि सा को बाद में और या को पहले कर लिया, तो बन गया यस। सा बाद में आ गया और या पहले आ गया, तो सा और या स्या था, इसको मैंने यस कर लिया, तो यस। आप इसमें देखिए अश्व लिखा हुआ है, अश्व यानी कि अश्व प्लस ए इक्वल टू अश्व, तो इसमें ए की मात्रा है जो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी है, और जो हे है वो पहले यहाँ पे लगा हुआ है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। जवानी और दीवानी मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में थोड़ा आसानी हो। और सच में ये एक मूवी का नाम है, ये जवानी है दीवानी, बहुत ही शानदार मूवी है, कभी मौका मिले तो देखिएगा जरूर। तो ये था हमारा पहला ट्रिक, जिसमें हमने एक वचन को याद करने का ट्रिक देखा। आइए
अब बात करते हैं कि द्विवचन को याद करने का कौन सा ट्रिक है। तो इसका भी ट्रिक मजेदार है। तो इसका ट्रिक है आओ भैया योयो करते हैं। योयो हनी सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो बस वही वाला योयो है, योयो हनी सिंह। तो इसका हमारा ट्रिक क्या है, आओ भैया योयो करते हैं। आइए देखते हैं ये ट्रिक कैसे काम करता है। तो मैंने कहा आओ भैया, यानी कि आओ की मात्रा हम लिखेंगे, ठीक है, बोलेंगे आओ, क्या बोलेंगे आओ, लेकिन लिखेंगे आओ, लिखेंगे आओ। आपको वो तो डायलॉग याद होगा, आओ, शक्ति कपूर का जो डायलॉग था आओ, तो आओ, तो आओ हो गया भैया, भैया यानी कि भयाम, इस प्रकार से, ठीक है, भयाम यानी कि आप समझिए भैया। मैंने आपको कहा भैया तो आप समझ जाइए भयाम, तो भयाम लिख लिया मैंने। इन तीनों में सेम होता है, यहाँ भी भयाम, यहाँ भी और यहाँ भी, तो भयाम 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 तीन बार। यो यो करते हैं, तो यो अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे होगा, यो और यो, यो यो, यो यो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक जो है, मारा ट्रिक जो है, मारा यानी कि क्या, जो राजस्थानी में क्या कहते हैं, मारा मारा, हमारा मारा, ऐसे ही कुछ कहते हैं, मारो देश पधारो, तो मारो मतलब कि हमारा। तो हमारा ट्रिक है आओ यानी कि दो बार आओ की मात्रा, भैया यानी कि तीन बार भयाम, यो यो करते हैं यानी कि दो बार यो और यो। आपको कुछ समझ में आ ही गया होगा कैसे है। अश्व में औ लगा हुआ है अश्व, अश्व में औ लगा हुआ है अश्व, अश्व में भयाम लगा हुआ है, यहाँ भी भयाम, यहाँ भी भयाम, तो आपको ये समझ में आ गया, यो यो इसके लास्ट में जो है लगा हुआ है यो यो। तो आप इससे आप हमेशा याद कर रख सकते हैं कि आओ भैया यो यो करते हैं। हाँ, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, आप इसको याद रखिएगा, मैं इसे कहता हूँ 232 फॉर्मूला। 232 कहने का मतलब है कि ये दो बार होगा, ये तीन बार होगा और ये दो बार होगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये दो बार, ये तीन बार और ये दो बार, जिसे मैं कहता हूँ 232 फॉर्मूला। 232 फॉर्मूला होता क्या है, तो आओ भैया यो यो करते हैं, यही फॉर्मूला। इससे आप जो है द्विवचन को याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो लास्ट वाला बच गया है इसका क्या, जो लास्ट वाला बच गया है हे अश्व, ये फर्स्ट वाला ही है, पहले इसके हे लगा दिया गया, यहाँ पे हे नहीं है, यहाँ पे लगा दिया गया है, बस हो गया। तो इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। आइए अब बात करते हैं कि बहुवचन को कैसे याद करेंगे, क्या इसके लिए भी आपके पास ट्रिक है। तो मैं कहूंगा जी हाँ, इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है। तो ट्रिक को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक फिल्म की शूटिंग चल रहा है और उसमें मैं हीरो हूं और मेरे सामने एक विलन खड़ा है और हमारा डायलॉग जो है इस प्रकार से, तो मैं कहता हूं कि आओ, मैं कहता हूं आ, तो विलन कहता है ना, मैं गुस्सा हो जाता हूं और कहता हूं ए, तो विलन डर जाता है और कहता है भैया भैया, फिर मैं कहता हूं का नाम सु, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। तो ये हमारा छोटा सा स्टोरी था, फिर से मैं दोहराता हूँ क्या है हमारा स्टोरी। तो मेरा डायलॉग है आ, विलन कहता है न, मैं गुस्सा होकर कहता हूँ ए, विलन डर जाता है और कहता है भैया भैया, मैं कहता हूँ का नाम सु, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। तो आइए इस ट्रिक को देखते हैं कैसे ये काम करने वाला है। तो मैंने पहले क्या कहा, मैंने कहा आ यानी कि आह की मात्रा, देखिए इसमें अश्व प्लस आह इक्वल टू अश्व, तो आह लगा हुआ है। विलन ने कहा न यानी कि हलंत न, अश्व प्लस न, देखिए यहाँ पर हलंत न लगा हुआ है। मैंने गुस्सा होकर कहा ए यानी कि ए की मात्रा इसमें लगा हुआ है, अश्व प्लस ए अश्व। उसने कहा भैया भैया यानी कि भया, और एक बार फिर से भया, ये भया भया दो बार, भैया भैया यानी कि भया भया। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ भी आप भैया कहे थे, तो यहाँ भयाम लिखा हुआ है, यहाँ भी भैया कह रहे हैं, यहाँ भया लिखा हुआ है। तो आप ऐसा समझिए कि ये छोटका भैया है और ये बड़का भैया है, ठीक है, ये बड़का भैया है और ये छोटका भैया है। तो छोटका भैया यानी कि भया और बड़का भैया यानी कि भयाम, तो भया भया दो बार। फिर मैंने कहा का नाम सु, तो का नाम सु यानी कि यहाँ पे लगा हुआ है नाम, अश्व और नाम, इसके लास्ट में नाम, सु यानी कि यहाँ पे लगा हुआ है सु। तो हमारा ट्रिक जो है इस प्रकार से, क्या मैंने आपको ट्रिक बताया, आ, मैंने कहा आ, उसने कहा ना, मैंने कहा ए, उसने कहा भैया भैया, मैंने कहा का नाम सु, का तो इसमें नहीं लगेगा, नाम और सु लग जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको बिना रटे याद कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा।
तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप इसका हिंदी खुद से निकाल लेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बताइए, आपने कारक चिन्ह पढ़ा होगा? मैंने पढ़ाया है कारक चिन्ह, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मेरा सवाल है कि प्रथमा जो है वो कौन सा कारक होता है? अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? तो ऐसे मैं बता देता हूँ आपको, प्रथमा जो है ये होता है कर्ता कारक। कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक, और इसका चिन्ह होता है ने, इस प्रकार से। तो मुझे सिर्फ चिन्ह से मतलब है, तो मैं ने जो है रहने दूंगा, कारक से मतलब नहीं है, यानी कि कारक को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? तो प्रथमा का चिन्ह होता है ने, और अश्व है, अश्व का हिंदी होता है अश्व, तो इस प्रकार से इसका हिंदी हो गया अश्व ने, इस प्रकार से अश्व ने बन गया। द्वितीय का चिन्ह क्या होता है? द्वितीय का चिन्ह होता है को, तो इसका हिंदी हो जाएगा अश्व को, इस प्रकार से अश्व को, यानी कि अश्वम। इसी प्रकार से तृतीय अश्वेन लिखा हुआ है, इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी हो जाएगा, देखिए तृतीय का जो है चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है से, तो इसका हिंदी हो जाएगा अश्व से। हाँ, एक बात और, अश्व मतलब घोड़ा होता है, ठीक है? तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे अश्व जो है काट कर घोड़ा भी लिख सकता हूँ, घोड़ा से ऐसे, ठीक है? तो क्या आप चाहते हैं, मैं इसका हिंदी अश्व कर दूँ या घोड़ा कर दूँ? मैं घोड़ा ही करता हूँ, आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसका हिंदी कर दिया घोड़ा, अश्व से बन गया घोड़ा, ठीक है? तो ये घोड़ा। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति देखते हैं, चतुर्थी विभक्ति का क्या होगा? तो चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका हिंदी? इसका हिंदी हो जाएगा घोड़ा के लिए, घोड़ा के लिए, इस प्रकार से इसका हिंदी हो जाएगा। पंचमी का चिन्ह होता है से, तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा घोड़ा से, घोड़ा से। ऐसे आपने देखा होगा बारात जो है वो घोड़ी से आता है, घोड़ा या घोड़ी ऐसे कुछ होता है, तो घोड़ी से आता है, तो जो घोड़ी से है उसका हिंदी क्या होगा? अश्वाद और अश्वेन। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बारात या दुल्हा घोड़ी से या घोड़ा से आता है? बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बारात या दुल्हा घोड़ा से आता है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वाला विभक्ति लगेगा, घोड़ा से यहाँ भी है, घोड़ा से यहाँ भी है, लेकिन आपको ये बताना है कि दुल्हा घोड़ा से आता है इस सेंटेंस में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे। ऐसे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसमें बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से कि कौन सा वाला लगाएंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको पता है, और पता है तो क्या पता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति लगने वाला है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, के, की, तो मैं एक चिन्ह लेता हूँ का, तो इसका हिंदी हो जाएगा घोड़ा का, ऐसे घोड़ा का। इसी प्रकार से सप्तमी का चिन्ह होता है में, तो इसका चिन्ह हो जाएगा घोड़ा में, इस प्रकार से घोड़ा में। और संबोधन का जो है इसका हे घोड़ा, हे घोड़ा, इस प्रकार से हे घोड़ा, इसका हिंदी ऐसे हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि क्या इसका हिंदी मतलब कि द्विवचन है और बहुवचन है, इसका हिंदी कैसे निकालेंगे। तो इसका भी सिंपल तरीका है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक घोड़ा यानी कि अश्व ने, ठीक है, अश्व या घोड़ा ने, तो अश्व यहाँ पे द्विवचन है, तो द्विवचन यानी कि दो संख्या का बोध रहता है, तो इसका हिंदी हो जाएगा दो घोड़ा ने, क्या होगा? दो घोड़ा ने। देखिए चिन्ह जो है वही रहेगा, यहाँ ने है तो यहाँ भी ने रहेगा और यहाँ भी ने रहेगा, क्योंकि प्रथम विभक्ति का चिन्ह ही होता है ने। यहाँ पे संख्या बदल रहा है, यहाँ एक घोड़ा था, यहाँ दो घोड़ा है और यहाँ अनेक घोड़ा होगा, तो इसका हिंदी हो जाएगा अनेक घोड़ा ने, अनेक घोड़ा ने, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम सबका हिंदी कर लेंगे आसानी से, कैसे करेंगे? चुटकी बजा के ऐसे करेंगे, क्योंकि अब आपको आ गया है, तो अब आपको आ गया है तो आप भी चुटकी बजा के ऐसे चेंज कर सकते हो। अरे ये तो सच में चेंज हो गया यार। तो चलिए पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसका हिंदी किस प्रकार से किया है मैंने। तो अश्व यानी कि एक घोड़ा ने, अश्व यानी कि दो घोड़े ने, और अश्व यानी कि अनेक घोड़े ने। अश्व यानी कि घोड़ा को या एक घोड़ा को, अश्व यानी कि दो घोड़े को, और अश्वान यानी कि अनेक घोड़े को, अश्वेन यानी कि एक घोड़े से, अश्वाभ्याम यानी कि दो घोड़े से, और अश्वाय यानी कि अनेक घोड़े से। अश्वाय यानी कि घोड़े के लिए, सॉरी घोड़ा के लिए, अश्वाभ्याम यानी कि दो घोड़े के लिए, और अश्वेभ्य यानी कि अनेक घोड़े के लिए। अश्वात यानी कि घोड़ा से,
अश्वाभ्याम यानी कि दो घोड़े से, अश्वभ्याम यानी कि अनेक घोड़े से, अश्वस्य यानी कि घोड़ा का, अश्वयो यानी कि दो घोड़े का, अश्वानाम यानी कि अनेक घोड़े का, अश्वे यानी कि घोड़ा में, अश्वयो यानी कि घोड़ा दो घोड़े में, अश्वेशु यानी कि अनेक घोड़े में। हे अश्व यानी कि हे एक घोड़ा, हे अश्व यानी कि हे दो घोड़े, और हे अश्व यानी कि हे अनेक घोड़े। तो इस प्रकार से हमने इसका हिंदी करना भी सीख लिया है। तो इस वीडियो में हमने सीखा अश्व का शब्द रूप, इसका ट्रिक और इसका हिंदी अर्थ। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक में मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।